नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए शुरू करते हैं आज की खबरें। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल क्षेत्र के गांव क्यामपुर में बीती रात किसान परिवार को गन प्वाइंट पर लेकर बदमाशों ने मारपीट कर लूटपाट की। इस दौरान बदमाश घर की तीन महिलाओं सहित पुरुषों से जेवर, नकदी और बाइक सहित अन्य सामान लूटकर फरार हो गए। लूटी गई बाइक गांव के एक खेत से बरामद हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। डकैती की घटना से पीड़ित परिवार सहित आसपास के क्षेत्र में भी दहशत व्याप्त है। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी सिटी अर्पित विजयवर्गीय और सीओ सदर घटना की जानकारी लेने पहुंचे। वहीं डॉग स्क्वाड भी मौके पर पहुंचा। दरअसल चरथावल थाना क्षेत्र के गांव क्यामपुर स्थित किसान परिवार के घर को डकैतों ने निशाना बनाया है। पीड़ित परिवार परिजन ने बताया कि शनिवार की रात परिवार के सभी लोग खाना खाकर सो गए थे। वह घर के बाहर सो रहा था। करीब एक बजे कुछ लोगों ने उसे आकर उठाया और खाना खाने की ख्वाहिश जाहिर की, जिसके बाद उन्होंने घर की कुंडी खुलवा कर महिलाओं से खाना बनाने की बात कही। उसी दौरान उक्त लोगों ने अपने हथियार निकाल लिए और एक एक कर सभी सदस्यों को हथियारों से डराकर घर के कमरे में बैठा दिया, जिसके बाद उसकी पत्नी तथा दो बेटों की बहुओं और विवाहिता बेटी से जेवर की मांग की। न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके बाद घर की सभी महिलाओं ने अपना अपना जेवर बदमाशों के हवाले कर दिया। करीब एक घंटे तक सभी बदमाशों ने घर के सामान की तलाशी ली, जिसके बाद सभी को बेड की चादर काट कर उनकी कत्तरों से बांध कर अलग अलग कमरों में बंद कर दिया गया और जाते समय घर में खड़ी बाइक से दो बदमाश लूटी गई नकदी तथा अन्य सामान लेकर फरार हो गए, जबकि बाकी बदमाश अलग अलग गए। सुबह के समय लूटी गई बाइक गांव के बाहर से बरामद हुई, जिसमें पंचर पाया गया था। पूरा मामला यह है कि मेरे पापा बाहर पड़े थे, खाना खाने के नाम से दरवाजा उनसे खुलवाया गया और जो मेरी मम्मी थी वो खाना पकाने के लिए चली, जैसे चूल्हे में आग बाली, फिर मैं सारों को अलग एक कमरे में लेने चालू कर दिया और फिर ले जाकर क्या नाम के बांधना चालू कर दिया, लूटपाट करी। लूटपाट हुई 14-15 लाख रुपए की और क्या नाम जी जेवरात ले गए। मेरी बहन थी, उसकी शादी करी थी, अभी वो जानी थी उसकी, मेरी वाइफ का, मेरे भाई की वाइफ का, वो ले गए और तमंचे धर के लूटपाट करी। तमंचे ले रहे थे, ऐसी ऐसी लंबी लंबी राइफल थी। कितने बदमाश थे? यानी के 12 करीब। जी हम सो रहे थे, बेखबर पड़े, बाहर दुकान में पड़ी थी, मैं इसका पड़ा था तो वे आए, जैसा आज उन्होंने पहले मेरे आदमी को उठाया। कितने लोग थे? वे 16-15 आदमी थे। क्या ले रहे थे? सारे, उन पर तलवार भी थी, उन पर कट्टे भी थे, एक मस्कट थी उन पर। क्या फिर क्या हुआ? फिर वो बाहर से ठाकर लाए हमें, चलो क्यों खोलो, हमें भूख लग रही, खाना बना कर दो, और रुका मत उतारो, खाना बन कर हम खाना खाएंगे, खाना खा कर हम चले जाएंगे। मगर ठीक है भैया बैठ जाओ, हम खाना बना देंगे। तो बस उन्होंने क्या काम करा, मैं चूल्हे पर आग बलान बैठ गई ना, सार को उठा ठाक कोठे पे गए, कोठे पर से मेरे पूत बो पड़े थे दो, उन्हें लाई ठाक है, उन्हें तारल तार के इस घर में बाढ़ कर सारों के डबल बेड की चादर फाड़ कर सारी, और सारों के पीछे को हाथ बांध दिया, मैं रह गई अकेली बाहर। फिर मुझे लाए दो जने बाहर से। किसे किसे बांधे थे? मेरे सारे बच्चों को। नाम बताओ उनका। पहला तो बांधा मेरा आदमी, क्या नाम था? हरजन। फिर बांधा मेरा बड़ा लड़का डॉक्टर इल्ताब। फिर बांधा मेरा परवेज। फिर मेरी बड़ी बहू को बांधी। फिर मेरी छोटी बहू को। फिर मेरी लड़की को बांधी। सबसे पीछे मुझे बांधी। फिर मेरी माँ को लेके खाट ठाकर भीतर को, चल भीतर मुंत मेरी अंधी सास। क्या क्या सामान लूटा आपका? जी हमारे तीन, एक लड़की का, सास का घर का भी जेवर था, घैया का भी था, सारा ले गए, दोनों बहुओं का हार थे सोने के। कितना जेवर होगा? कम से कम मेरा 12-14 लाख का जेवर तो तीन बहुओं का भी होगा। फिर क्या सूचना करी पुलिस को आपने? जी करी, जब हम मुंह के तालन बाहर से मुसला देकर चले गए, फिर हमने रुके थे हाथ बंद रहे थे मारे सारों के, तब ना अंधी बुढ़ी आती बस बाहर है, मगर तो सहज आ पकड़ कर हमारा मुसला खोल कर हमें काट दे। तो फिर इन्हें मोटरसाइकिल पर गए वे तीन फेरे में, कई कई जने लद कर हमें मुंह के भीतर, जब वे चले गए जिसे अंधी बुढ़िया ने खिचड़ खिचड़ कर मुसला खोला, जब हमने सारों ने हाथ खोल ले, जब हम बाहर निकल कर रोए पिटे। थाना चरथावल में क्यामपुर गांव है, और इसमें आज रात में 3 बजे के करीब सूचना आई थी, कुछ लोग घर में घुस गए और उन्होंने जो भी घर का सामान है वो ले गए हैं, और सूचना मिलते ही तत्काल जो थाना पुलिस है चरथावल की पुलिस, वो मौके पे पहुंची थी, और जो भी परिवार वाले हैं उनसे जानकारी की जा रही है कि कितने लोग थे। अभी तक उन्होंने बताया कि 4 लोगों ने इनको अंदर बंद कर रखा था, और भी अभी जानकारी की जा रही है, और इनका कहना है कि कैश इनके पास कुछ था नहीं, और ज्वेलरी जो थी वो इनके यहाँ से ले गए हैं। ज्वेलरी का हम टोटल कर रहे हैं कि कितनी ज्वेलरी गई है, ज्वेलरी अभी इनसे हम लिस्ट ले रहे हैं कि कितने की है, उस हिसाब से हम जो भी ये लोग बताएंगे उस हिसाब से हम बताएंगे। और बाकी इन्होंने बताया 4 लोग
लोगों ने इनको अंदर बंद कर रखा था, और बाकी जो भी तथ्य आते हैं आप लोगों से शेयर किए जाएंगे। ये बता रहे हैं कि बाहर से इनके जो माता पिता हैं वो बाहर ही सोते थे, और जो गेट है जो है वो खुला रहता था, क्योंकि इनकी मेडिकल की शॉप भी है, तो संभवतः हो सकता है ये बाहर से ही अंदर चले गए हों। और अभी हम लोगों ने टीमें गठित कर दी हैं, SOG की भी है, सर्विलांस की भी, थाने की भी, और ये सभी लोग लग गई हैं, और जल्दी इस घटना का भी खुलासा किया जाएगा। पूरा मामला ये हुआ जी, जो बदमाश यहाँ पे आए, मैं ये नहीं पता था बदमाश है कोई नेकमाश है भाई, ये खाना खाने के बहाने सिर्फ गेट खुलवाया कि भाई हम खाना खाएंगे। और अल्ताफ अली के जो पिताजी थे फरजंद, मैं बाहर पड़े थे, उन पर गेट खुलवाया, गेट खुलवाने पर उन्हें कहा खाना तैयार करवो, तो कोई आदमी खाना खाने के लिए आए, तो जैसे एक महिला खाना खाने के लिए, खाना बनाने के लिए खाना बनाने लगी, चूल्हे में आग बढ़ाने लगी, इसलिए करके जो बाकी घर के लोग थे उन्हें बंधक बना लिया, और बंधक बना के उनके तबंचे वमचे राइफल जो भी कुछ थे इकट्ठे करते उन पर लगा लिए, और बाकी सबको बंधक बना के एक एक बदमाश करीबन एक दर्जन बदमाश थे। लूट हो गई करीबन 12-14 लाख के म्यान में। क्या लेके बदमाश जेवरात जितना भी था, एक लड़की थी इनके जो अभी 2 दिन पहले ने भेजनी थी, उसकी शादी का सामान तैयार था, पीछे उसके ससुराल का भी जेवर था, 2 लड़के थे इनके, 2 लड़कों की बहू थी उनका भी जेवर था, और फरजंद अली जो है इनके पिताजी उनकी घरवाली का भी जेवर था, एक उनकी नानी आ रही थी, अल्ताफ अली की नानी आ रही थी, उसके भी कानों में कुंडल थे, मैं कुंडल भी निकाल लिए, और इसलिए करके सारा ही जेवर में बंधक बना के ने, फिर एक चादर पाड़ी उन्होंने बेड की दांती से काटी, चादर काट के वो उन्होंने अलग अलग कमरे में बंद कर दिए उन्होंने सारों को, और बांधते रहे, ठीक है, और बांधने के बाद में बंधक बना के उन्हें टोटल सामान उनका घर पे कुछ नहीं छोड़ा। मामला के दौरान पूरा मामला साहब रात के लगभग 1 बजे के करीब, 1 बजे के करीब ये हमारे चचा बाहर सो रहे थे, इनके कनपटे पे राइफल लगाई एक आदमी ने, और 2 बराबर में खड़े थे, इन्होंने उस पर झपट्टा मारा। कितने बदमाश थे, क्या क्या लूटा गया? लगभग 10-12 आदमी थे, जेवर जो है 3 बहुओं का जेवर, इनकी माँ का और 2 बहू इनकी नई शादी हुई, और एक बेटी की शादी अभी हुई थी 15-20 दिन महीना पहले ही, उसका सारा सामान जेवर टोटल लूट कर ले। क्या परिवार को बंधक बना गया था? पूरे परिवार को अंदर बंद कर, ये साहब ये है ये रखे हैं, डबल बेड की चादर काट के रंग दी से सब इसमें जोड़ जोड़ कर हाथ हाथ पैर जोड़ के यहाँ रंग दी, उसके बाद इन्हें कैसे घुसे बदमाश अंदर? अंदर का घुसने का नहीं जानकारी कैसे घुसे, अंदाजा लगा रहे मेन गेट का कुंडा लगा हुआ था, वो नहीं था ताला वाला नहीं लगा हुआ था, और अंदर घुसे। पूरे परिवार को गनपॉइंट पे लिया? पूरे परिवार को, एक बच्चा भी नहीं छोड़ा है, बैठी बूढ़ी दादी, उन्होंने उनके जाने के आधे घंटे के बाद हाथ पर पता नहीं कैसे कुंडा खुला, जब गांव को पता लगा जब लोग। क्या पुलिस मौके पर आई थी? पुलिस आई 4 बजे करीब, 100 नंबर आई, उसके बाद थाने की पुलिस आई, पूरा मामला ये हुआ जी, जैसे मैं ऊपर पड़ा था, 3 लड़के आए यहाँ मेरा लगा के, जैसे माल कसम था वाहन पकड़ कर रपट मारा, फिर बंदूक लगाई पीछे से, मेरी वाइफ सो रही थी उसको उठाई, उसको बंदूक लगाई, अगर कहने अगर वो बोल लेगा तो बच्चे के बीच तक फाड़ देंगे, फिर नीचे लाए, फिर मेरे भाई को उठाया, फिर उसका बंदूक लगाई, उसका साड़ा आता उसका लगाई, फिर अंदर कमरे में ले गए, बांधते रहे एक कक्कू, बांधते रहे बैठते रहे, पहले तो कहने लगे खाना खाएंगे, फिर जब बांध दिए फिर उन्होंने चाबी मांगनी चालू करी, चाबी दे दो सारी सेफ साफ ऊपर कांड पर सब जगह चढ़ेगी, फिर उन्होंने क्या नाम के पापा का मारा, मेरा भी मारा, जो बोल रहा था धड़ दी थप्पड़ मारे थे, कहा था कितने बदमाश थे? 7-8 जने थे या नीचे और ऊपर थे सबका। तुम्हें परिवार को बंधक बना? जी जी सारे बंधक बना, बच्चे बच्चों को बांध कर गए। कितने की डकैती होगी? लगभग लगभग 10 लाख से ऊपर। अब क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि हमारा मिल जाए बस, मेरी बहन आ रही थी, उसकी शादी करी थी अभी 2 महीने पहले, उसका जेवर था, मेरी वाइफ का था, मेरे भाई की वाइफ का था। तो घर में कैसे घुसे? घर में बाहर से घुसे, पहले पापा को उठाया, फिर ऊपर गए डर, फिर ऊपर से उठा कर नीचे आए, नीचे से फिर भाई को उठाया, फिर अंदर घुसा। जी सर, मैं यहाँ मेहमान आया हूँ, तो यहाँ पर रात में कुछ गुंडागर्दी हुई, यहाँ पर आके पिस्टल लेकर आ गई थी, तो रख दिया कंधे पे, कहने लगे कि भाई चलो बड़े बजे सारे इकट्ठे कर दिए, फिर हाथ बांध के कमरे में मिटा दी, फिर गुंडा दरवाज़ा बंद कर दिया था। तुम्हारे से भी लूटा?
हाँ वो बैग था मेरे पास, बैग में कुछ पैसे थे, तलाशी भी ली थी जेब में, जेब के भी लेके बैग भी। डकैती जो हुई लगभग कितने क्या क्या लूटा गया? बस ये घर का जेवर सारा लूट लिया उन्होंने, अलमारी वगैरह सब सारा।